हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि सैमसंग A04e फ़ोन में आप लोग स्क्रीनशॉट को कैसे ले सकते हो। अगर आपके पास एक सैमसंग A04e फ़ोन है और इस फ़ोन में जो है आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है, आपको जो यहाँ पर अपने स्क्रीन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिल गए गाइस, अभी जो है आप लोगों को उसको स्क्रीनशॉट लेके रखना है, तो कैसे आप लोग अपने इस फ़ोन में जो है स्क्रीनशॉट को ले सकते हो गाइस, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। तो सेटिंग्स में जाने से पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं मैं कुछ इस तरीके से आप लोगों को शॉर्टकट स्क्रीनशॉट कैसे ले पाओगे मैं दिखाऊंगा आज आप लोगों को। देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक करते ही आप लोग जो है बहुत ही आसानी से स्क्रीनशॉट को ले पाओगे। देख सकते हैं बटन जो है सभी तरफ से आप लोग लगा सकते हो, यहाँ पर भी लगा सकते हो, या अगर आप लोगों को यहाँ पर लगाने का मर्जी है तो यहाँ पर भी आप लोग लगा सकते हो। तो इस पर क्लिक करते आप लोग जो यहाँ पर से स्क्रीनशॉट को ले पाओगे। तो कैसे लोगे गाइस, तो मैं यही बताऊँगा आप लोगों को अभी। तो इसको लेने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक सर्च बार देखने को मिल जाएगा, तो इस सर्च बार पे आप लोग क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को टाइप करना है गाइस असिस्टेंट मेन्यू, जो स्पेलिंग है आप लोग मेरे फ़ोन में देख लीजिए, देखते ही देख सकते हैं टाइप कर लीजिए। टाइप करने के बाद यहाँ पर एक असिस्टेंट मेन्यू का ऑप्शन आ जाएगा, इसको आप लोगों को यहाँ पर से क्लिक करके ऑन कर देना है। यह ऑन करते ही यहाँ पर अलाउ का ऑप्शन आएगा, अलाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक देख सकते हैं बबल आ जाएगा, इस पर क्लिक करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप लोगों को जो है बबल जो है ऑफ़ कर देना, मान लीजिए अभी आप लोग बैक कर दिए हो तो ये बबल जो है आपके स्क्रीन में आ जाएगा। अगर आप लोगों को इसको बंद कर देना है तब भी आप लोग कर सकते हो। तो आप लोगों को यहाँ पर असिस्टेंट मेनू का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर से भी आप लोग बबल को जो है ऑफ़ कर सकते हो, इस पर क्लिक करते ही जो बबल है वो ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग जो है यहाँ पर बार बार सेटिंग्स में आके यहाँ पर असिस्टेंट मेनू सर्च करके यहाँ पर बहुत दिक्कत हो जाता है इस बबल को ऑफ़ करने के लिए, तो यहाँ पर एक शॉर्टकट भी देखने को मिलेगा असिस्टेंट मेनू शॉर्टकट का, तो इस शॉर्टकट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होगा असिस्टेंट मेनू शॉर्टकट का, तो इसको हम क्लिक करके अलाउ पर क्लिक कर देंगे और ये ऑन हो जाएगा। अभी देख सकते हैं हम एकदम हमारे होम स्क्रीन में है, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक इंसान जैसा एक बटन होगा, देख सकते हैं रहा, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते असिस्टेंट मेनू ऑन है, इस पर क्लिक कर दीजिए ऑफ हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट बटन है गाइस, आप लोगों को बार बार सेटिंग्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग यहाँ पर से ही इसको ऑफ कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो और ऑफ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर से आप लोग ऑन कर लीजिए, ऑन करने के बाद इस पर क्लिक करते आप लोगों को स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर से स्क्रीनशॉट को आप लोग ले सकते हो। और अगर आप लोगों को और भी आसानी से स्क्रीनशॉट को लेना है तो यहाँ पर पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन पे आप लोग सिर्फ एक बार क्लिक कर दीजिए दोनों को साथ में, तो आपके फ़ोन में स्क्रीनशॉट आ जाएगा। तो इस तरीके से जो आप लोग अपने सैमसंग A04e फ़ोन में आप लोग स्क्रीनशॉट को ले सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।